फ्रेंड्स इस तरीके से मुख की आकृति बनाई जाती है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? यारों का यार आपका अपना भाई आसू देवरा, आसू देवरा ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स बता दूं कि सरस्वती पूजा आने वाला है, मात्र 17 दिन बचा हुआ है और यहाँ पे सरस्वती माँ की प्रतिमा बन रही है। आप पीछे देख सकते हैं 10 फीट की प्रतिमा आपको नजर आ रही होगी। मैं बहुत ही खूबसूरत सा लोकेशन पे मिले के आया हूँ। और क्यों मनाया जाता है, जिसने सरस्वती माँ की पहली पूजा की थी, ये सारी जानकारी और कैसे किया जाता है पूजा, ये सारी जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो के साथ और वीडियो को शेयर कीजिए। वसंत पंचमी पूजा कैसे करें? तो फ्रेंड्स माँ सरस्वती की प्रतिमा या मूर्ति को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। रोली, चंदन, हल्दी, केसर, चंदन, पीले या सफेद रंग के पुष्प, पीली मिठाई और अक्षत अर्पित करें। पूजा के स्थान पर वाद्य यंत्र और किताबों को अर्पित करें। माँ सरस्वती की वंदना का पाठ करें तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। और विद्यार्थियों के लिए ये माँ बहुत ही प्रिय होती है, विद्यादायिनी होती है और बुद्धिदायिनी होती है। फ्रेंड्स, हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष के पांचवें दिन बसंत पंचमी मनाई जाती है। हिंदू धर्म में इस दिन को काफी बेहद शुभ माना गया है। जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की रचना की तो पेड़ पौधा, जीव जंतु, ये सारी चीजों की रचना हो चुकी थी, लेकिन ब्रह्मा जी को काफी मायूसी महसूस हो रही थी कि कुछ ना कुछ कमी है। तो उन्होंने कमंडल से जल छिड़का तो एक खूबसूरत स्त्री देवी के रूप में प्रकट हुई। उनका रूप इस तरीके से था कि एक हाथ में वीणा, दूसरे में पुस्तक, तीसरे में माला, चौथे में वर मुद्रा थी और वो थी माँ सरस्वती। जब सरस्वती माँ ने वीणा बजाई तो पूरा संसार स्वर से गूंज उठा। बता दूं कि बसंत पंचमी के दिन ही सरस्वती माँ का जन्म हुआ, इसलिए बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माँ की पूजा की जाती है। इसकी क्या विधि है, ये सारी जानकारी दूंगा। फ्रेंड्स 2021 में 16 फरवरी को बसंत पंचमी मनाई जाएगी। का शुभ समय 16 फरवरी मंगलवार यानी सुबह 3:36 से बुधवार 17 फरवरी 5:46 तक है। फ्रेंड्स आपको जानकारी दे दूं कि सरस्वती माँ की पहली पूजा श्री कृष्ण जी ने किया था और दूसरी ब्रह्मा जी ने। बहुत ही खूबसूरत सी स्टोरी है, वीडियो के अंत में देखकर ही जाइएगा। तो फ्रेंड्स बता दूं ये मूर्ति बनाते हैं। भैया आपका शुभ नाम क्या हो गया?
इनका नंदलाल पंडित नाम है। बहुत बहुत स्वागत है आपको जगह ब्लॉग में भैया, बहुत ही नाइस नेम है भैया। बताइए कि मूर्ति बनाने में आप लोगों को कितना समय लगता है और कितने साल से आप मूर्ति बना रहे हैं? मूर्ति तो हम लोग समझिए नहीं हो तो 15-20 साल से हम अपना उम्र में बना रहे हैं। 15-20 साल से फ्रेंड्स इनका एक्सपीरियंस है। और कितना मेहनत लगता है, ये कौन सी मिट्टी का बनता है? इसके लिए जो है ना ये हम लोग मिट्टी गिरवाते हैं गांव से आता है, पर तो शहर में घर है गांव से मिट्टी होता है उससे ये बनाते हैं मूर्ति। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा आपको यहाँ पे ढांचा दिया है माँ सरस्वती जी का। आप देख लीजिए कितना खूबसूरत सा लग रहा है। 10 फीट का मूर्ति है ना? 10 फीट का मूर्ति। और ये मूर्ति बनने में कितना दिन लग जाता है आप लोग को? ये बड़ा मूर्ति बनाने में जो है कम से कम 10 दिन लगेगा। ये 10 दिन फ्रेंड्स इस मूर्ति को बनाने में दिन रात करके बनाते हैं, तब जाकर के एक खूबसूरत सा आकृति तैयार होती है। और अभी तो सरस्वती पूजा आने वाला है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं माँ सरस्वती माँ की प्रतिमा की शुरुआत इस तरीके से हो रही है। और आपको जब ये पूरा ढांचा पुआर से तैयार हो जाती है उसके बाद आप देख सकते हैं, आपको मैं दिखा दूं कि इस तरीका से आपको रंग रूप देखने को मिलेगी। उसके बाद ही यह इस पे मिट्टी चढ़ाई जाती है अच्छे तरीके से। उसके बाद आप देखिएगा कि माँ की रूप ऐसी हो जाती है। उसके बाद इसमें पेंट किया जाता है अच्छे रंग से और माँ की खूबसूरत सी प्रतिमा आपको देखने को उसके बाद नजर आती है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी लंबी प्रतिमा यहाँ पे आपको बन रही है, कितनी खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे मिट्टी इस तरीके से गूंथी जाती है, तब जाकर के एक खूबसूरत सा आकृति आपको देखने को मिलती है। काफ़ी मेहनत लगता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और इन लोगों की काफ़ी हेल्प कीजिए जो इतना मेहनत करके खूबसूरत सा रंग दे देते हैं किसी भी आकृति को। तो आप देख सकते हैं, जरूर आप भाई लोग सपोर्ट कीजिए। फ्रेंड्स कहानियां तो काफ़ी है, उसमें से एक प्यारी सी कहानी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब सरस्वती माँ ने जन्म लिया था तो उस वक्त श्री कृष्ण भी वहाँ पे मौजूद थे। जब सरस्वती माँ ने श्री कृष्ण जी का रूप देखा तो मोहित हो गई। तो जब श्री कृष्ण जी को पता चला कि ऐसी बात है तो श्री कृष्ण जी ने बताया कि मैं राधा के प्रति काफी आकर्षित हूँ। श्री कृष्ण जी को लगा कि सरस्वती जी दुखी हो जाएंगी। फ्रेंड्स श्री कृष्ण जी ने एक उपाय सोचा और उन्होंने सरस्वती जी को खुश करने के लिए उनको बताया, वह दान दिया, जो विद्या को पाना चाहेगा वो हर माघ मास के शुक्ल पक्ष के 5वीं तिथि को पूजा आपकी करेगा। दूसरी कहानी कुंभकर्ण से जुड़ी हुई है कि वो देव शक्ति प्राप्त करना चाह रहा था तो 10,000 वर्ष गोवन पर घोर तपस्या किया तो ब्राह्मण काफी प्रसन्न हुए और उसे आशीर्वाद देने के लिए राजी हुए। तो देवों ने उन्हें याद दिलाया कि ये राक्षस प्रवृत्ति का है, अगर आप आशीर्वाद देंगे का दुष्प्रभाव भी पड़ सकता है। तो उन्होंने माँ सरस्वती जी को याद किया। कुंभकर्ण को इंद्रासन प्राप्त करने की इच्छा थी लेकिन जब उन्हें मांगने का समय आया तो सरस्वती माँ की कृपा से इंद्रासन के बदले निंद्रासन शब्द उच्चारण में आ गया, जिस वजह से वो लंबे समय तक सोने का वरदान मांग लिया। और ये ब्राह्मणों के लिए बहुत ही अच्छी बात थी, उन्होंने वर दे दिया जिस वजह से वो लंबे समय तक सोए, जिसके कारण त्रेता युग पार हो गया और इनका उद्धार श्री राम जी ने आकर किया। वीडियो अगर पसंद आए तो
दबा कर लाइक कीजिए और जम के शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन का बटन होगा उसको दबाना मिस ना करें, इसमें पैसा नहीं लगता है दोस्त, फ्री है, बस आपको सपोर्ट करना है।